देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स x बाई x होल की पावर 3 dx। ये क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पर करना है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को, है ना। अभी हाल फिलहाल हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्वेश्चन को कैसे करें, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे tan इनवर्स x है और 0 टू इंफिनिटी है, तो जब लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है तो tan को लाने से थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि tan क्या करता है, वो इंफिनिटी को पाई बाई 2 बदल देता है, उससे कई बार क्वेश्चन निकलता है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या काम करें, x को tan थीटा या tan t मान लें, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t और dt। x को देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, tan t मान लिया, tan t देखो मानने से क्या फायदा हुआ कि dx की वैल्यू हो गई है sec स्क्वायर t। अब देखो ये क्वेश्चन tan में चेंज होगा, वही देखो हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले लिमिट को चेंज करेंगे, x अगर 0 है तो t भी 0 होगा, x अगर इंफिनिटी है, x अगर इंफिनिटी है तो t को पाई बाय 2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि लिमिट 0 टू इंफिनिटी है। अगर x 0 है तो t 0, x अगर इंफिनिटी है तो t पाई बाय 2। देखो x को माना tan t, तो देखो ये बचेगा सिर्फ t और ये हो जाएगा tan t की पावर 3 और देखो ये हो गया sec स्क्वायर t dt, है ना, dx की वैल्यू क्या हो गया बोलो, sec स्क्वायर t dt, x की जगह tan t, है ना। देखो यहां पर ध्यान दो, ये हो गया 0 टू पाई बाय 2 t की पावर 3 और देखो यहां पर ये हो गया sec स्क्वायर t अपॉन tan क्यूब t और dt, है ना, अलग-अलग किया। अब देखो यहां पर फिर वही कांसेप्ट यूज करेंगे कि इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे और इस पूरे को हम दूसरा फंक्शन मान के इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। देखो ये जो दूसरा फंक्शन है sec स्क्वायर t अपॉन tan क्यूब t, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान दो, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन tan t को u माना तो हो गया sec स्क्वायर t dt बराबर du। देखो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन u की पावर 3 और du, ये हो गया u की पावर माइनस 3 और du, ये हो गया u की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। तो देखो ये हो गया माइनस 1 बाई 2 u स्क्वायर, ध्यान दो ऐसे देखो ये आ गया, है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और u क्या है, u को वापस tan t रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 और देखो ये tan स्क्वायर t यहां पर आ गया, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, देखो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 और tan स्क्वायर t, है ना, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस इंटीग्रल क्या हुआ, देखो पहले का डिफरेंशिएशन तो 3t स्क्वायर, है ना, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास ये है, क्या है बोलो, ये है माइनस 1 बाई 2 और tan स्क्वायर t और dt, है ना, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन और फिर से देखो दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो ध्यान दो, अगर हम t की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखो t की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो tan पाई बाय 2 इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और माइनस देखो क्या होगा, t की जगह 0 रखेंगे तो एक्चुअली ये 0 बाय 0 फॉर्म आएगी, फिर लिमिट लेना पड़ेगा। देखो जैसे इसमें लिमिट लिया जाए t टेंडिंग टू 0 और t क्यूब अपॉन 2 tan स्क्वायर t, है ना, t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी, 0 बाय 0 फॉर्म आ गई, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, तो हमने लिमिट का यूज किया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि लिमिट t टेंडिंग टू 0, देखो एक t अलग
और टी बाई टू अलग कर लू और टी अपॉन टेन टी का होल स्क्वायर अलग कर दू, है ना, टी अपॉन टेन टी का होल स्क्वायर। अब देखो ये टेन टी अपॉन टी वन होता है, जैसे जैसे कि साइन थीटा और अपॉन थीटा वन होता है ना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, उसी तरीके से लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा भी वन होता है। तो देखो ये भी वन हो गया और जब टी को रखेंगे जीरो तो ये जीरो, तो फाइनली जीरो आ जाएगा, है ना। तो जब हम टी को पाई बाई टू रखेंगे तब भी जीरो, टी को जीरो रखेंगे तब भी जीरो, सब कुछ जीरो। देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया थ्री बाई टू, देखो थ्री बाई टू बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, इतना हम लोग कर लेंगे आसानी से, इसको मिटा रहा हूं। देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस देखो प्लस हो गया यहाँ पर। अब देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, है ना, प्लस हो गया टी स्क्वायर और डिवाइड बाई टेन स्क्वायर टी, तो इनटू देखो ये कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा, है ना, ऐसे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, वन अपॉन टेन स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया थ्री बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, और देखो कॉट स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर टी माइनस वन, ऐसा देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और टी टी कॉसेक स्क्वायर टी माइनस वन, देखो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया थ्री बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टी, और माइनस देखो ये हो गया जीरो टू पाई बाई टू और टी स्क्वायर डी टी, देखो थ्री बाई टू बाहर है, सेपरेट है बिल्कुल, ठीक, टी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टी और माइनस टी स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू और डी टी, ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर ये आया। इसका इंटीग्रेशन तो काफी इजी है, बोलो इसका तो कर लेंगे, टी क्यूब बाई थ्री हो जाएगा सारी से। अब हमें इसका इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा, टी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, फिर मैं कह सकता हूँ लंबा तो हो ही गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन इजी हो या टफ हो हमें करना तो ही है आसान, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कई बार, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन है आसान। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया होगा पहले भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, टी स्क्वायर मतलब ये भी अपने आप में एक छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बन गया, इसको लिखो, बताता हूँ मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ आगे का पार्ट, इसको लिखो पहले यहाँ तक।